हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्य क्लासेस दिख रहा है ना? यस, सीधा घर से ही शूट कर रहे हैं। आ गया फिर से लॉकडाउन वॉकडाउन। चलो ठीक है, काइनेटिक थियरी पे अपना लेक्चर नंबर 03। लेक्चर 1 और 2 में बहुत क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी ना कि अपने सराउंडिंग्स जो एटमोसफियर है, जो गैसेज हैं, उनको जानते हैं, उनके बारे में उनका बिहेवियर समझते हैं, वो क्या कहते करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, किधर को जाते हैं, किधर बैठते हैं, ये सारा पढ़ना है अपने को, सीखना है इसके बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, लेकिन नॉलेज भी तो होना चाहिए ना गैसेस के बारे में। तो आज उसका शुरुआत करते हैं अपन। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आज ये बन सकता है अपना, आज ऐसे तो अपने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 बन रही है कि फाइंड आर, गैस कांस्टेंट आर, आर का वैल्यू फाइंड करो फ्रॉम दिस आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी पे थोड़ा मेहनत करके ये आर फाइंड करो। 2 मिनट का काम यार। चलो इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लिख दो। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। अब आर को सब्जेक्ट बना दो तो म्यू और टी गए नीचे, तो पी वी अपॉन म्यू टी। नाउ अब ये पी वी म्यू टी इन सब का वैल्यू हमको डालना है। आता है सबका वैल्यू यार, आइडियल गैस है ये, समझो। आइडियल गैस के लिए सारी सिचुएशन हमको याद है, पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा ना। चलो यहाँ पे बता देता हूँ, फॉर आइडियल गैस मान लो उसका ये जो म्यू है ना, म्यू मतलब कितना क्वांटिटी है, कितना मोल है, 2 मोल 5 मोल 10 मोल, उसको म्यू बोलते हैं ना। तो फॉर आइडियल गैस सपोज म्यू अपना कितना है, 1 मोल। इफ़ योर म्यू इज 1 मोल तो फिर ये प्रेशर और टेम्परेचर स्टैंडर्ड हो जाएगा, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो सारी वैल्यू आती है, चलो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है सर, लीटर ऐसा ही यूनिट नहीं है। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई कर दे, हो गया मीटर क्यूब। बस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में तो लेंगे ना। ओके, अब टेम्परेचर स्टैंडर्ड लेना है तो 273.15, लेकिन हम पॉइंट नहीं लेते, अप्रोक्सीमेट 273 केल्विन। प्रेशर, भाई कैमरा मैन ये दिख रहा है नीचे, कवर हो रहा है ना, हाँ। प्रेशर 1 एटमोसफियर को ऐसे लिख सकते हैं 1.01 × 10^5 पास्कल। कैमरामैन फिर से आपका ध्यान लगा रहा हूँ इधर, ये दिख रहा है ना जितना ये लिखा सब, बच्चों को फ्रेम से बाहर नहीं है ना कुछ। ओके, कैमरा हो गया ना सेट। अब ये सारी वैल्यू इसमें डाल दो यार, इसको नाम बोल दो इक्वेशन 1, लगा दो टाइटल टेकिंग वैल्यूज इनटू इक्वेशन 1। लेट्स फाइंड द आर। P का वैल्यू यहां से लगाओ, 1.01 × 10^5। वॉल्यूम यहां से लगाओ, 22.4 × 10^-3। ये सब याद रखना पड़ेगा, एक बार में याद कर ले। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इतना ही लेना है हर बार, वॉल्यूम यही लेना है 1 मोल के लिए, हाँ। म्यू कितना है अपना, 1 मोल। टेम्परेचर कितना है, 273। ये सारा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो वी विल गेट 8.314। चलो वैल्यू तो आ गया बच्चा, अब इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट यहां पे लिखा नहीं है सर आपने, तो बता रहा हूं ना, रोक के रखा है यूनिट को। यूनिट क्या आएगा इसका, चलो देखते हैं यूनिट क्या आएगा। देख ये ऊपर पीवी है, पीवी मींस डब्ल्यू वर्क, तो वर्क का यूनिट आएगा जूल। यस, ये जूल। फिर नीचे म्यू है तो म्यू के लिए क्या होगा, मोल। और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए होगा केल्विन। तो बन गया ना यूनिट, जूल पर मोल इनटू केल्विन। क्लियर है। अब इसका एमएलटी भी पूछा है भाई कि डायमेंशनल फॉर्मूला, अरे 2 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन तो थोड़ा इंफॉर्मेशन डाल ना। डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो आ जाओ डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी। अब एमएलटी यार कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों नहीं है, हम जानते हैं जूल का एमएलटी क्या होता है, 122 लास्ट वाला माइनस, 122 लास्ट वाला माइनस। फिर एक केल्विन नीचे तो ऊपर ले लियो माइनस। अब ये मोल तेरे को लिखना है लिख, नहीं लिखना है नहीं लिख, चलेगा।
नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आर पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतना सा होगा कि सारी फॉर्मूला लिखो, आर को सब्जेक्ट बनाओ, ये सारी वैल्यू का लिस्ट बनाओ, ये सारा वैल्यू इसके अंदर डालो, कैलकुलेटर घुमाओ, आंसर। ये आर को क्या नाम देते हैं अपन, पता ही होगा ना आपको, गैस कांस्टेंट। अरे केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। यस ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बढ़िया सा। ओके हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब एक और क्वेश्चन लेंगे, ये थोड़ा धांसू क्वेश्चन है। आइडियल गैसेस के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना लॉ बनाया था, उन लॉ को सीखने से गैस के लिए हमारा समझ और क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, लेकिन पहले क्या है, व्हाट इज आइडियल गैस। तो 2-4 पॉइंट इधर बनेंगे भैया, आइडियल गैस किसको बोलेंगे। तो एक्चुअली आइडियल गैस है ना, होता ही नहीं है यार। हाँ ये अपने सराउंडिंग जो है ये सब रियल गैसेज हैं, आइडियल गैस तो होता ही नहीं है। थियोरेटिकली मानते हैं आइडियल गैस, जब थियोरी लेके बैठते तो आंसर आता है नोटबुक में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ तो नहीं आता है आंसर, वेरी वेरी करता है आंसर, बहुत अलग होता है। फिर भी अपन किसी को तो आइडियल समझे। तो देख, जो गैस पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी को ओबे करता है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर देता है, दैट इज योर आइडियल गैस। यस तो हो गया डेफिनेशन, अरे हो गया, चल भाई डेफिनेशन हो गया आइडियल गैस का। गैसेज विच ओबे पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी इक्वेशन आर कॉल्ड आइडियल गैसेज, आर कॉल्ड आइडियल गैसेज। हो गया डन। लेकिन अपना धांसू पॉइंट लिख के, सर दिस इज जस्ट अ थियोरिटिकल आइडिया, नो रियल गैस इज आइडियल गैस। लिखो, दिस इज जस्ट थियोरेटिकल आइडिया, नो एनी रियल गैस इज आइडियल गैस। तो इतना बहुत है ना आइडियल गैस के बारे में डेफिनेशन, और 2 पॉइंट तो दे दिए। अब एक्चुअली ये है कि आप जब टेम्परेचर को हाई, मोस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, जब आप टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हो तो क्या होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को वो टेम्परेचर से एनर्जी मिलता है और भागने लगते हैं इधर उधर दूर दूर भाग जाते हैं सब, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। तो डिस्टेंस बढ़ने से उनके बीच की जो इंटरनल रिएक्शंस होती है वो अवॉइड कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे रिएक्शंस, एक उधर गया एक उधर गया तो कहाँ से इंटरनली रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना। हाँ तो टेम्परेचर हाई कर दें तो काम बन सकता है, कि टेम्परेचर हाई करने से अपना जितना भी रियल गैस है ये सब दूर दूर भागेगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेगा एक दूसरे से, तो उनके बीच का इंटरनल रिएक्शन नहीं हो पाएगा उस वक्त, तब वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर दिखाएंगे। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, प्रेशर। आपने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो मॉलिक्यूल्स दूर कैसे जा पाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो सारा दब के इकट्ठा हो जाएगा। हाँ इसलिए प्रेशर को भी कम करना है, ये जो आप प्रेशर देते हो ना गैस को, उसको कम कर दो, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कर दो, फिर देख मॉलिक्यूल्स इधर उधर जूम जूम भाग गए तो उनके बीच का इंटरनल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इन दैट केस व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ये एक सिचुएशन है आइडियल गैस बनाने का, ठीक है। तो इसको लिखते हैं मस्त धांसू तरीके से, धांसू तरीके से लिखते भैया, कैमरामैन कवर करना भाई। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे रीजन लिख दो, यहाँ पे बढ़िया रीजन का टाइटल लगाओ और लिख दो रीजन, क्या रीजन है। तो यही ना कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स गो अवे फार फ्रॉम ईच अदर, सो इंटरनल रिएक्शन कैन बी अवॉइडेड। यस यस लिख दे भैया, एट हाई टेम्परेचर
एंड लो प्रेशर इंटरनल रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स कैन बी अवॉइडेड. यस, ये धांसू रीजन. अब यार इससे ज्यादा तो क्या ओपनिंग दू. व्हाट इज आइडियल गैस पे कुछ क्वेश्चन आता है, एक दो टू मार्क्स का पैराग्राफ, तो इतना लिखा ना बहुत हो गया. और कितना लिखोगे? हाँ, अब देखो इसका इक्वेशन. भाई कैमरा मैन ये कवर हो रहा है ना पूरा? हाँ, इक्वेशन. भाई कैमरा मैन छोटा बच्चा है यार, घर से शूट कर रहे हैं ना. हाँ, अब इक्वेशन लिखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन. इक्वेशन तो हम जानते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी. जानते हैं इस इक्वेशन को. चलो इसको कवर कर देते हैं ग्रीन कलर से. आ जा भाई ग्रीन, आ जा. अब इक्वेशन भी हो गया सर, और तो क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए सर. अब लॉज पे बात करते. देखो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे तो ये मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ेगी बोर्ड पे. चलो ले लो स्क्रीनशॉट. ओके चलो, इक्वेशन फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, मिटा दिया उधर. इक्वेशन आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी. तू देखता जा भाई, लेक्चर में तेरे को मज़ा आवेगा ही आवेगा. अभी तीन लॉ सिखा रहा हूँ तुमको. कौन कौन से भैया? लॉ है बॉयल, चार्ल्स और गैल्युशेक. बॉयल और चार्ल्स आपके टेक्स्ट बुक में है डिस्कशन, गैल्युशेक मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट. अरे मजे कर, सोम सर का क्लास है, गिफ्ट मिलते रहते हैं यहाँ पे. चलो लेकिन वो सारे लॉ स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ. आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बॉयल, चार्ल्स, गैल्युशेक. तो बॉयल, चार्ल्स और गैल्युशेक, इन तीनों के लॉ पे कौन कांस्टेंट रखना है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, बच्चे भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है. तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना के दी आपको. बॉयल में टेम्परेचर, चार्ल्स में पी और गैल्युशेक में वी. अब इसको बच्चे लोग रटते कैसे बताए? बोट, बॉयल में टी, बोट. चा पी, गुजराती में बोलते ना चाय पीना है क्या, उसको यहाँ पे बोलते हैं गुजरात में चा पी. तो चार्ल्स में पी कॉन्स्टेंट रखना है और गे वी, गैल्युशेक में वी. तो रहेगा याद, इसको बॉक्स में डाल देते. ये थियरी में कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ सर ने शॉर्ट ट्रिक सिखाया है. ठीक है बच्चों, बोट चा पी, चाय पी ले. हाँ, गैल्युशेक में वी. बॉयल में टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना है, चार्ल्स में प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और गैल्युशेक में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है. यस, बस. चलो अब सारे लॉ सिखाता हूँ तीनों के तीन. सबसे पहला अपन लेते हैं बॉयल का लॉ, द वेरी फर्स्ट बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या बोला था बॉयल बाबा ने? बॉयल बाबा ने बोला था कि भाई सफिशियंट लो डेंसिटी वाला गैस ले लो, लाइक स्टीम. सफिशियंट लो डेंसिटी मतलब डेंसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए यार, फिर आप समझते नहीं हो, रट्टा मार लेते हो कि हाँ डेंसिटी कम होना चाहिए. क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि हम आइडियल गैस पे बात कर रहे हैं. आइडियल गैस पे मॉलिक्यूल्स के बीच का रिएक्शंस नहीं होने देना है, तो वो आइडियल है. अब डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, सारा यूँ क्लोज क्लोज होगा. डेंसिटी ज़्यादा मतलब मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो रिएक्ट कर जाएंगे ना. हाँ, तो कैसा गैस लेना है अपने को? लो डेंसिटी गैस. ओके, तो सफिशियंट लो डेंसिटी वाला गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया जाए एक सर्टन अमाउंट, तो उसका प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. हाँ, सारा बोल दिया मैंने. लो डेंसिटी वाला गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे सर्टन अमाउंट, तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी. याद रह गया सारा? चलो अब इसको लिखना पड़ेगा. प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ सर्टन अमाउंट एंड ऑफ सफिशियंट लो डेंसिटी. इट
कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो गया बॉयल का लॉ। तो फिर चलो अब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। अपना इक्वेशन क्या था, पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी था कि नहीं। अब देखो क्या क्या कॉन्स्टेंट है, तो बॉयल के लॉ में सबसे पहला टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है मतलब इसको इक्वेशन से हटा पाएंगे। फिर क्या क्या है, सर्टन अमाउंट ना, सर्टन क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितना मोल लिया, 4 मोल 5 मोल 7 मोल, तो मोल कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, और ये तो गैस कॉन्स्टेंट ऑलरेडी है, मतलब ये तीनों तीन कॉन्स्टेंट हो गए भैया, तो तीनों के तीन कॉन्स्टेंट हो गए, तो इधर क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट। अब जब कॉन्स्टेंट लिख दिया है तो रुक जा, थोड़ा तो गणित जानते हो ना, अभी इक्वल टू और कॉन्स्टेंट को हटाया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिंबल आया, आ गया भाई कैमरा मैन, ये कवर हो रहा है ना, अब बैठ मत जाओ यार, शूटिंग कर रहे हो वीडियो, बच्चों को जाना है, सर क्या बोलेंगे कि सर का छोटू ध्यान नहीं दे रहा है, अरे छोटू ध्यान दे। चलो क्लियर है ये पूरा, मजा आया ना बॉयल का लॉ, एकदम ईजी है ना। हाँ दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखो, सर्टन अमाउंट रखो और लो डेंसिटी रखो, बस ऐसी सिचुएशन रखोगे ना तो उस वक्त जो भी गैस का सैंपल आप लेके आए हो उसका प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तीन चीज़ें रखनी है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, सर्टन अमाउंट, सफिशियंट लो डेंसिटी। इस सिचुएशन में गैस को रखा जाएगा तो उसका प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन लोगों ने क्या किया कि बॉयल का जो लॉ है वो थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकल लॉ थोड़ा क्लैश होता है जब हम लैब में जाते हैं और गैस के साथ इन सारी सिचुएशंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं रियल गैस के साथ, तो थोड़ा सा लॉ क्लैश होता है, तो उस क्लैश को ग्राफ के थ्रू दिखाया। देखो ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। चलो तो जब अपन ने देखो लॉ क्या बोलता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, मतलब X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y है, तो उसका ग्राफ हमको पता है ऐसा आएगा लीनियर स्ट्रेट लाइन, है ना। लेकिन जब X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Y है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, भाई कैमरा में ये कवर हो रहा है ना, जब X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Y है तो उसका ग्राफ ऐसा आता है हाइपरबोला, यूं मैथमेटिकली तो यही है, ये सब चीज़ें तो आगे सीखी हुई है सोहम सर के क्लास में। तो यहाँ पर बॉयल का लॉ यही बोल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, यस। तो बॉयल को लॉ से अपन ने ग्राफ बनाया तो ग्राफ ऐसा आया, यूं ऐसा आया, परफेक्ट हाइपरबोला टाइप, हाइपरबोला आया देखो, है ना, इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ओके। और जब एक्सपेरिमेंट करके बनाया ग्राफ तब भी ग्राफ ऐसा ही आया, ऑलमोस्ट सेम आया। और इस वक्त टेम्परेचर क्या रखा गया था, T1, इसका भी क्या रखा गया था, T1। जब टेम्परेचर थोड़ा कम किया और बॉयल के लॉ से ग्राफ बनाया तो बॉयल के लॉ से बनाया तो वो हाइपरबोला ही आएगा, ऐसा ऐसा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जब प्रैक्टिकली किया गया लो, इससे कम टेम्परेचर पे आ गया ना मामला, लो टेम्परेचर पे जब ये ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट किया गया तो ग्राफ ऐसा नहीं मिला फिर, यस प्रैक्टिकली हाइपरबोला नहीं मिला, प्रैक्टिकली ऐसा मिला ग्राफ आपको, देखो ऐसा इस टाइप का कुछ। इसका टेम्परेचर T2 था, इसका भी टेम्परेचर क्या था, T2, यस। अरे T2 कहीं और लिख दे, ये रहा। तो आप समझे फर्क कि बॉयल का लॉ जो बोल रहा है आइडियल गैस के लिए उसके अकॉर्डिंग ग्राफ हाइपरबोला होना चाहिए, तो ये रहा बॉयल के लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए ग्राफ। लेकिन जब हम लैब में गए और एक्सपेरिमेंट किया तो ग्राफ ऐसा नहीं आया, ऐसा आया, मतलब हाइपरबोला मैनेज नहीं हो रहा है थोड़ा, हाँ। तो यही तो सच्चाई है भाई कि आइडियल गैस, बॉयल चार्ल्स गैल्यू शेक, दीज ऑल आर थियोरिटिकल इंटरप्रिटेशन, यस दे हैव थियोरिकल वैल्यूज, बट वेन वी गो फॉर अ प्रैक्टिकल अप्रोच तो थोड़ा बदल जाता है। चल एक और लो टेम्परेचर पे लेगा और एक और ग्राफ बनाया, देखो एक और ग्राफ बनाया लो टेम्परेचर पे, तो वो हाइपरबोला ही आएगा क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग बनाया। जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो ग्राफ थोड़ा और अलग आया, इधर आया T3 का,
तो समझ रहे हो आप ग्राफ क्या बोल रहा है आपको? यस, समझ गए। ग्राफ ये बोल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, देखो ये हाई टेम्परेचर पे ना, ये लॉ का ग्राफ और रेड कलर का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ दोनों बिल्कुल इक्वल समान दिख रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो वो तो अपन ने बोला था ना कि टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, तो रियल गैस आइडियल गैस जैसा ही बिहेव करेगा। तो देख ले, आइडियल गैस रियल गैस इक्वल लग रहा है ग्राफ, लेकिन टेम्परेचर जब कम हो गया तो ग्राफ मैच नहीं कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ग्राफ में देख के हम दो चार अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इन फिगर पी अगेंस्ट वी ग्राफ फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2 एंड T3 आर गिवन। ओके, ग्राफ शोज दैट, रुको, इसमें जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर आइडियल गैसेस। ओके, बट ये जो कंटिन्यूस लाइन है रेड कलर की, कंटिन्यूस डार्क लाइन जो दिख रही है आपको, वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटली किया हुआ ग्राफ। तो दो तीन पॉइंट तो हो गए। अब अपना ओपिनियन लिख दो यहाँ पे कि हमको ग्राफ में दिख रहा है कि हाई टेम्परेचर, अरे यार ये सबसे हाई टेम्परेचर है ना, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। हाँ, तो अपना ऑब्जर्वेशन लिख दो भैया कि जब टेम्परेचर हाई है तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ और लॉ के अकॉर्डिंग बनाया हुआ ग्राफ बोथ आर मैचिंग। यस, तो ग्राफ शोज दैट इट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मैच विथ अप्रोच विथ आइडियल ग्राफ। सिंपल। तो मेरे हिसाब से बॉयल्स लॉ पे 2 मार्क्स में इतना बहुत हो गया यार। हाँ, एक और पॉइंट डालना है तो डाल दो कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ग्राफ मस्ट बी हाइपरबोला, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ग्राफ मस्ट बी हाइपरबोला। बस बहुत हो गया इतना बॉयल पे पॉइंट, अब समझ में तो आ गया ना पूरा। चलो स्क्रीनशॉट, अब सुनो, स्क्रीनशॉट लेने से पहले बॉयल का लॉ मजा आया ना तो ही आपको चार्ल्स और गैल्युशेक आएगा, तो ही आगे वीडियो देखो। आपको बॉयल के लॉ में बोर हो गया, मजा नहीं आया, तो वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि सिमिलर यही सारा पॉइंट वापस रिपीट होना है, सिर्फ ये लॉ बदलेगा थोड़ा सा। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, अब चार्ल्स का लॉ, अब फटाफट इसको निपटाते। देखो सारा ये पॉइंट जो मैच करेगा उसको ऐसे लिख के अपन ने रखा है ना। चार्ल्स का लॉ क्या बोलता है? इट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स के लॉ में ना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यस, बॉयल में क्या था कि प्रेशर इनवर्सली टू द वी, चार्ल्स में क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर। तो लिख दो इट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस ऑफ सर्टन अमाउंट एंड ऑफ स्पेसिफिक लो डेंसिटी। इस बार क्या क्या कॉन्स्टेंट है भैया? सर्टन अमाउंट मतलब म्यू कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी लो है, बराबर रिएक्शंस नहीं होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ इक्वेशन बनाते हैं। अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, म्यू कॉन्स्टेंट है, आर तो गैस के लिए कॉन्स्टेंट ही है, और कॉन्स्टेंट प्रेशर तो चार्ल्स ने बोला है। तो बराबर क्या जाता है अपने पास? वी इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन पी इंटू टी। ये सारा कॉन्स्टेंट और ये सब गया तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आएगा इधर, आ गया, लो हो गया चार्ल्स का लॉ, हो गया ना। चलो अब इसका ग्राफ बनाते। एक मिनट, ग्राफ बनाने से पहले ध्यान रखना इसका ग्राफ हाइपरबोला नहीं आएगा, इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा ही आएगा ना, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई के अकॉर्डिंग, ऐसा वाला ग्राफ आएगा यूँ स्ट्रेट लाइन, है ना। चलो तो आ जाओ भैया बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे नोटिस लिख दो ना कि एज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली सिमिलर टू द वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे सर क्या लेके आए, ओ भाई यार, अब 11वीं के बच्चों को इतना सब सिखाना। देख ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, तो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी प्लस जीरो, तो इससे मैच कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखाता है, जो बोलेगा कि आपको इसका भी स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनाना है, ऐसा मैच हो रहा है इसलिए लिखवा दिया। हाँ चल भाई, अब ग्राफ पे आ जा। देख भाई, अब
ये अपना बना टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ, जब लॉ से बनाया गया चार्ल्स के लॉ के अकॉर्डिंग, तो ऐसा मिला ग्राफ अपने को। और जब उसको प्रैक्टिकली लैब में किया गया तो थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा डिफर कर रहा था, लेकिन आगे जाके टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा ना, देखो ये टेम्परेचर का ग्राफ है, इधर इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे देखो मैच कर गया है ना। हाँ, अब बच्चा को समझ में आ रही है कि हाई टेम्परेचर पे मैच कर गया, और इस एरिया में कौन प्रेशर क्या रखा, कांस्टेंट P1, ठीक है। फिर एक और ग्राफ बना दिया लो टेम्परेचर पे, तो वो भी देखो पहले मैच नहीं कर रहा था, पहले इतना दूर था, फिर टेम्परेचर हाई हुआ तो मैच करने लगा, देखो नज़दीक आ गया एकदम, है ना। बस ऐसा एक और सैंपल दे दो यार, ये रहा देखो, इसका भी टेम्परेचर लो था तो मैच नहीं कर रहा था, हाई टेम्परेचर पे मैच कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे प्रेशर P3, ओके ठीक है। तो अब पॉइंट्स तो वही लिखे हुए तो हैं, क्या लिखना है कि यहाँ पे आपको टी अगेंस्ट वी ग्राफ दिखाया गया है, टी अगेंस्ट वी ग्राफ दिखाया हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है वो लॉ के अकॉर्डिंग बनाया हुआ ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है, और जो कंटिन्यूस लाइन है रेड कलर की डार्क, वो एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ मिलता है रियलिस्टिकली वो दिखा रहा है। फिर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे दोनों ग्राफ मैच कर रहे हैं, दिख रहा है, हो गया चार्ल्स का लॉ, बोला तो था इजी है। अब यही सारे पॉइंट्स फिर हम रिपीट करेंगे गैल्यूशे, अब आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग खत्म, अब गैल्यूशे मेरी ओर से आपको गिफ्ट है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गैल्यूशे पे आ जाते हैं, ओके बच्चा वर्डी। अब गैल्यूशे का लॉ आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे, क्वालिटी थोड़ा फर्क पड़ रहा है, ये घर पे शूट कर रहे हैं, थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट ठीक नहीं, बट आई विल रिपेयर इन 1 or 2 days, अगले वीडियो में लाइटिंग क्वालिटी और भी अच्छी रखूंगा, ताकि आपको और भी वीडियो देखने में इरिटेशन हो, मजा आए, है ना। चल गैल्यूशे का ये सब लिखना कौन है यार, गैल्यूशे में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो लिख देना इट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हाँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फॉर दिस दिस एंड दिस, आता है ना। चलो अब ग्राफ, ग्राफ इसका ग्राफ भी भाई पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी है, देखो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये सब कॉन्स्टेंट, तो पी डायरेक्टली टी मैचिंग विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लीनियर इक्वेशन, यस। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बना दो लॉ के अकॉर्डिंग, ग्राफ अपने ऐसे दिखे, जब हमने एक्सपेरिमेंटली बनाया तो ग्राफ ऐसे दिखा, मैच कर रहा है आगे जाके। फिर 2-3 सैंपल दे देना भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं है ग्राफ बनाना, हम कौन सा एक्यूरेट वैल्यू लिख के बना रहे हैं। हाँ हो गया, तो आया गैल्यू शेक में मजा भाई, ये खास याद रखना है, बाकी तू याद रखे नहीं रखे थियरी सब, ये चीज़ें तेरे बार बार काम में आएगी, सम्स न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स को डील करते वक्त ये चीज़ें काम में आएगी। चल एक बार रिपीट कर लेते, बोट चाय पीले गेवी, बोट चाय पीले गेवी, बॉयल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट है, और गैल्यूशेक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और तीनों का इक्वेशन पी वी वी टी पी टी। प्लीज़ इसको याद रख लो, बहुत काम आना है आपके इस चैप्टर में। आई होप अच्छा लगा, आपको मज़ा आया होगा, ट्राई किया है घर पे शूट करके अच्छा एक वीडियो बनाने का। चलो लिखना अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिखना, ठीक है, बाय।